गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यदि आप इस वर्ष कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम लाए आप लोगों को अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज का मतलब होता है कि यानी आपको एक ऐसा अनदेखा पैसेज दिया जाता है जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन से ही आपको क्या करना होता है, उसी में से आंसर आपको छांटना होता है। यह आपको पूरा 7 मार्क्स दिलाने वाला है, तो वीडियो को बने रहे, वीडियो को पूरा देखें, पेन और कॉपी लेकर के इसका आप लोग अध्ययन करें। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलने वाला है 70 में 70 फुल मार्क्स। ये हमारा वादा है, मैं आपको दिलाकर रहूंगा। बस हमारे यूट्यूब चैनल के कुछ नियमों को जो है आप लोगों को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। देखिए, पैसेज आपको बड़ा भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है, ठीक है। महत्व तो ये है कि आप कैसे जो है उन क्वेश्चनों से आंसर आप कैसे छाटेंगे और कैसे उसका आंसर आप विधो ढंग से लिखेंगे, ताकि एग्जामिनर पर एक अच्छा प्रभाव पड़े और आपको नंबर जो है 7 में 7 मार्क्स देकर वो आगे बढ़ जाए। तो एक हमने पैसेज लिया हुआ है, छोटा पैसेज है, लेकिन समझने के लिए काफी है। आप लोगों के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जो इसी में से आपको आंसर क्या करना है, पिक आउट करना होता है। तो देखो, कहीं कहीं क्वेश्चन 2-3-4 दे देता है, कहीं 2 दे देता है, लेकिन आपको पूरा 7 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाला है। तो कैसे मिलेगा, कैसे आपका प्रावधान है, कैसे आप जानेंगे, तो सारी चीजों को हम यहाँ पर बताएंगे। तो वीडियो को जो है एक लाइक जरूर अपलोड कर लीजिए, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जहां से जब भी हम यहां से ये वीडियो कोई भेजे तो सबसे पहला नोटिफिकेशन जो है आपको वहां तक आप तक पहुंच जाए, ठीक है। चलिए देखिए, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखो, अनसीन पैसेज है कंप्रेंशन, ठीक है, और आपका एक छोटा सा जो है अनसीन पैसेज है और पेपर में आया हुआ है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, यह जो लगातार 3 साल यानी कि 2017, 2018 और 2019 लगातार पेपर में आया हुआ है, और इसी को हमने क्या किया है, आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। देखो, दिया हुआ है अकबर ट्रेटेड ऑल द रिलीजियंस इक्वली। सबसे पहले क्या करोगे कि पूरा ध्यान से जो भी अनसीन पैसेज दिया है उसको पूरा ध्यान से आप पढ़ोगे और उसको समझने का कोशिश करोगे कि आखिर ये कह क्या रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे ही आपको दिया जाता है जो बहुत ही आसान होते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, और उसी में से आप लोगों को क्या करना होता है, क्वेश्चन का आंसर पिकआउट करना होता है। आगे है, टू हिम द हिंदूस वेयर एज डियर एज मुस्लिम, ही इनिटेड ए रिलीजियन बाय द नेम ऑफ दीन ए इलाही, ही हैड मेनी हिंदू किंग्स एज हिज फ्रेंड्स, हिज 9 जेम्स आर क्वाइट फेमस। अब इसका आपको क्या करना है कि हिंदी अर्थ निकालना है। हिंदी अर्थ आता है तो ठीक, सो फार सो नहीं आता है तो भी क्या करेंगे कि क्वेश्चन से ही आप रिलेटेड आंसर को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन अगर अगर आपको इसका अर्थ पता चल जाता है तो और भी आपको क्या होता है कि बढ़िया से आप आंसर दे सकते हैं। तो आप कुछ ऐसा करेंगे तभी आप लोगों को एग्जामिनर पे अच्छा छाप पड़ेगा और वह आपको नंबर जो है 7 में 7 फुल मार्क्स आपको देकर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वही प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। और आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक लाइक आप लोग जरूर करें, अब वीडियो को पूरा आप लोग देखिए, अधूरा ज्ञान मत ले, पूरा ज्ञान लीजिए, ठीक है। अकबर ट्रेटेड सम्मान व्यवहार करना, ऑल द रिलीजियन इक्वल यानी सभी धर्मों को एक समान व्यवहार किया। अगला है, टू हिम उसके लिए द हिंदू वेयर एज डियर एज ए मुस्लिम, उसके लिए हिंदू उतने ही प्रिय थे जितने कि मुस्लिम, यानी वह हिंदू से भी प्रेम करता था और मुस्लिम से भी प्रेम करता था। ही इनिटिएटेड ए रिलीजन बाय द नेम ऑफ दीन ए इलाही, उन्होंने एक शुरू किया धर्म दीन ए इलाही नामक धर्म की शुरुआत उन्होंने की, यानी अकबर ने एक धर्म की शुरुआत किया जिसका नाम था दीन ए इलाही। ही हैड मेनी हिंदू किंग्स एज हिज फ्रेंड, उसके पास अनेक हिंदू राजा उसके मित्र के रूप में रहते थे, यानी कि अनेक हिंदू राजा उसके क्या थे, मित्र थे। हिज 9 जेम्स आर क्वाइट फेमस, उसके जो 9 रत्न थे वह क्या थे, बहुत ही फेमस थे, मशहूर थे। तो ये आप लोगों का एक अनसीन पैसेज का अर्थ हुआ। अब इन्हीं से जो है आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हम हल करेंगे। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं दैट कि अकबर हेल्ड आर रिलीजन आर इक्वल फुटिंग, कि अकबर जो सभी धर्मों के लिए एक समान भावना रखता था, आप कैसे कह सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि उसके कई मित्र थे, दोस्त थे, जिसमें हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे, और दोनों को एक समान मानता था। तो जाहिर सी बात है कि जब दोनों को एक समान मान रहा है
तो क्या करेगा, सबको एक समान समझेगा। यही चीज क्या करना है, इसमें से पिक आउट कर लेना है। अब लिखना कैसे है तो देखो, एक चीज यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देखो ही हैड मेनी हिंदू किंग्स एज हिज फ्रेंड्स, ठीक है, उसके अनेक जो थे हिंदू जो दोस्त थे, मित्र थे, और वो जो है हिंदू को भी उतना मानता था जितना कि मुस्लिम को भी मानता था। तो यह शो करता है कि वो जो क्या था, वो सभी धर्मों के लिए एक समान समझता था। बस यही चीजें आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे, चलिए यहाँ पर लिखिए, आप लिखिए अकबर, अकबर हैड मेनी, अकबर हैड मेनी फ्रेंड्स हु वेर हिंदू किंग, जो क्या थे हिंदू किंग थे, यानी कि हिंदू राजा थे, ठीक है, उसके लिए टू हिम, उसके लिए यानी टू हिम द हिंदू, द हिंदू वेयर एज डियर एज ए मुस्लिम। उसके लिए क्या था, दोनों क्या थे, जितना हिंदू को प्रेम करता था, चाहता था, प्यारे थे, उतना उसको मुस्लिम को भी प्यारे थे। ठीक, ये हो गया, बस यही चीज लिखना है। और दिस शो यह दिखाता है दैट की, क्या दिखाता है दैट की, अब यहां से लिख देंगे अकबर हेल्ड ऑल रिलीजन आर इक्वल फुटिंग। हो गया आपका, देखो क्या लिखा गया, अकबर हैड मेनी फ्रेंड्स हु वेयर हिंदू किंग्स, टू हिम द हिंदू वेयर एज डियर एज मुस्लिम, दिस शो दैट अकबर हेल्ड ऑल रिलीजन आर इक्वल फुटिंग। हो गया, बिल्कुल आसान है। दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिलीजन इनाइटेटेड, यानी किस धर्म की शुरुआत किया था, तो यहाँ पर देखो ही इनाइटेड ए रिलीजन बाय द नेम ऑफ दीन ए इलाही, किसकी शुरुआत किया था, दीन ए इलाही। तो आप शॉर्ट में लिखेंगे तो दीन ए इलाही भी लिख सकते हैं, या चाहे पूरा इसको क्या करेंगे आप लिख सकते हैं, ठीक है, पूरा लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिलेगा, इतना लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिलेगा। तो कौन सा था, तो दीन ए इलाही, तो लिख देंगे आप दीन ए इलाही। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन दिया, हाउ मेनी जेम्स हैव अकबर इन हिज कोर्ट, यानी कि उसके जो दरबार में कितने रत्न थे, तो कितने रत्न थे, देखो दिया है हिज 9 जेम्स आर इक्वल फेमस, अब इस कितने थे, तो 9 थे, तो अब यहां पर लिख देंगे अकबर, ये देखो हैज का प्रयोग है, ठीक है, अकबर, अकबर हैज कितने थे, 9 जेम्स इन हिज कोर्ट, बन गया अकबर हैज 9 जेम्स इन हिज कोर्ट। ठीक, तो ये रहा आप लोगों का अनसीन पैसेज, ठीक है, अनसीन पैसेज रहा जो अनदेखा अनसुना होता है, और इसी में से आप लोगों को क्वेश्चन से क्या करना पड़ता है, आंसर लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को जो है वीडियो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे। बस आप लोगों से यही अपेक्षाएं हैं कि वीडियो को लाइक करो और पूरा देखो आप लोग, ठीक है, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ से जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक हम यहाँ से वीडियो आपको भेजते रहेंगे, और आपको जो है 70 में 70 मार्क्स हम वादा करते हैं कि आप जरूर लाएंगे, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के कुछ नियमों का पालन करते हैं तो। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।